हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को स्वागत है अर्चना किचन कानपुर में। तो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं नमक पारा। तो यहाँ मैंने 1 किलो मैदा लिया हुआ है और अब मैं मैदे में डालूंगी मोहन। तो मोहन के लिए यहाँ मैं रिफाइंड डाल लेती हूँ, करीब 2 चमचे, और मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ मैंने अच्छे से मोहन डाल के और मिक्स कर लिया है। देखिए इस तरीके से बनने लगे। और यहाँ पे मैं डाल लेती हूँ थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन को मैं कस करके डालूंगी और यहाँ पे मैं डाल लेती हूँ नमक। स्वाद अनुसार मैंने नमक डाला हुआ है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं लगा लेती हूँ आटा को। तो यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ और आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया से, ना ज्यादा टाइट है और ना ज्यादा गीला है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट लगा हुआ है। और यहाँ पे मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देती हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं 10 मिनट हो चुका है और मैं फिर से मैदा को एकदम बढ़िया से मसल लेती हूँ। यहाँ मैं आधा ले लेती हूँ और मैं काटूंगी थोड़ा बड़ी बड़ी सी लोई, आधा की इतनी बड़ी बड़ी। और यहाँ मैं लोई काट के थोड़ा सा सूखा आटा लगा के और फिर बेलूंगी। एकदम बढ़िया से पतली पतली सी बेलूंगी। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ एकदम बिल्कुल रोटी साई बेल ली है और इसको बढ़िया से पतली पतली सी बेली हुई है। और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ चाकू काटने के लिए। तो यहाँ मैं पतली पतली सी एकदम काट रही हूँ। फिर से घुमा लूंगी बढ़िया से और इसको पीस लूंगी, छोटी छोटी पीस करूंगी। और यहाँ पर मैंने एक पेपर बिछाया हुआ है और ये मैं पेपर में गिरा दूंगी इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं दूसरी भी बेल ली हूँ रोटी की तरीके और मैं फिर से कट कर रही हूँ पतली पतली से। और मैं इसी तरीके से सब बना लूंगी।
काट रही हूँ, बना रही हूँ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर दिन मेरी नई रेसिपी आपको मिलेगी। सही कटिंग है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं नमक पारे हमारे बन गए हैं और मैं लेकर जा रही हूँ किचन में तलने। तो दोस्तों मैं तल लेती हूँ और आप देख सकते हैं मैंने सब बना लिए हैं, पूरे पेपर में मेरे पड़े हुए हैं और मैं जा रही हूँ तलने। तो दोस्तों चलते हैं किचन में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं तेल यहाँ अच्छे से गर्म हो गया है और ये मैंने छोटा सा एक टुकड़ा डाल के देखा हुआ है, तेल में अच्छे से बबल्स आ रहे हैं और मैं डाल देती हूँ और धीमी आंच में निकालूंगी। दोस्तों आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया से अलग अलग हो गए हैं और मैं धीमी आंच में बढ़िया से तलूंगी। दोस्तों आप देख सकते हैं एकदम बिल्कुल बढ़िया से ब्राउन हो गए हैं और अब मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। दोस्तों कैसी लगी हमारे नमक पारे की रेसिपी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों ये चीज ऐसी है कि आप बना के रख लो, 15 दिन तक आप रख सकते हैं, नहीं खराब होते हैं और अच्छे से चाय में आप सुबह सुबह नाश्ते में ले सकते हैं, इतने बढ़िया लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी रेसिपी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लेना। और कल मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।